नमस्कार, घर का खाना सहायता खजाने में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करें फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी डिश है। बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चों को फल खिलाने का बेस्ट ऑप्शन है। आप फ्रूट कस्टर्ड बनाकर बच्चों को दीजिए, बच्चे बड़े मजे से इसे चट कर जाएंगे। अगर आपके घर में पार्टी हो तो आप इसे बनाकर अपने मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। आप चाहे तो अलग स्वाद के लिए अलग फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, लेकिन हमने यहाँ लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। फलों में हमने यहाँ लिया है हरे अंगूर, काले अंगूर, अनार, एक सेब जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, दो केले, इसको भी हमने गोलाई में काटा हुआ है, और चीनी। और अब हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे एक गिलास दूध, गैस को ऑन कर लेंगे, दूध को गर्म कर लेंगे। जब तक यहां पर दूध गर्म हो रहा है तब तक हम यहां कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे आधा कप ठंडा दूध, गर्म दूध नहीं लेना है, ठंडा दूध लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए इस तरह से। कस्टर्ड पाउडर का घोल हमने तैयार कर लिया, ये देखिए इस तरीके से, इसमें अब कोई गुठली नहीं है। तो इस तरह का घोल हमने बनाना है। यहां पर हमारे दूध में भी उबाल आ गया है, गैस को कम कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी करीब 4 चम्मच, मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे दूध में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल देंगे। चीनी हमारी दूध में अच्छे से घुल गई है तो अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल और एक बार घोल को चम्मच से अच्छे से घुमा लेंगे। इस तरह से हम इसे एक बार घुमा लेंगे और अब हम एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर का घोल डालेंगे और दूसरे हाथ से हम कलछी से दूध को लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे हम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कस्टर्ड पाउडर का घोल डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का घोल डालने के बाद दूध गाढ़ा होने लगता है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये तले में लगे भी ना। दूध गाढ़ा हो गया है और ये अच्छे से पक गया है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और इसको हम अब साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आधा घंटा हो गया है, दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इस कस्टर्ड मिल्क को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें पूरा कस्टर्ड मिल्क नहीं डाल रहे, थोड़ा सा हमने बचा के रख लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे तो अब हम इसमें सारे फ्रूट्स मिला देंगे जो भी हमने यहाँ पर लिए हैं, सेब, अंगूर, काले अंगूर, केले, और अब हम इसमें मिला देंगे अनार के दाने और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फलों में आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे अमरूद, आम और स्ट्रॉबेरी, लेकिन जो फल पानी छोड़ते हैं उस फल को आप ना लें, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज, अनानास, संतरा या फिर कीवी। बाकी का बचा हुआ पका कस्टर्ड दूध भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कटे हुए मेवे जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश भी डाल सकते हैं। सारे फ्रूट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे ठंडा करने के लिए हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है। 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। फ्रूट कस्टर्ड काफी ठंडा हो गया है
और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रूट कस्टर्ड ठंडा ठंडा खाने में काफी अच्छा लगता है। और अब हम इसके ऊपर अनार के दानों से इसे गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड बना है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप ठंडा परोसेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे आप खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद भी परोस सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की आपकी पसंदीदा इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी जरूर बजा दीजिए, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।